Hey guys, check this out. Hello ladies and gentlemen, boys and girls, welcome back to another video of Side Viewer. तो गाइस आज का प्लान कुछ ऐसा है, अगर हम बता देंगे ना मजा नहीं आएगा, अब खुद ही चेक कर लो। लेट्स गो। तो गाइस शॉर्ट्स कैसे थे? अच्छे थे ना, हमें पता है अच्छे थे। तो गाइस आज हम यहाँ आ चुके हैं एक खूबसूरत सी जगह जिसका नाम है द शिव धाम। ये है लॉर्ड शिवा को डेडिकेट करने के लिए ये मंदिर बनाया गया है और ये मेरे घर से तिनसुकिया से माकुम तक का डिस्टेंस 1 किलोमीटर होता है। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा ये मंदिर बहुत ही खूबसूरत है, ठीक उसी प्रकार ये मंदिर एक धार्मिक स्थान है महादेव के भक्तों के लिए। तो गाइस जैसा कि मेरे दोस्त ने आप सभी से कहा कि ये मंदिर लोगों के लिए बहुत ही धार्मिक है, हाँ इसने सही कहा कि ये मंदिर लोगों के लिए बहुत ही धार्मिक है, क्योंकि श्रावण के महीने में आप सभी को पता है 4 संडेज होते हैं। तो ये मंदिर है माकुम में, आप गूगल चेक कर सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में एड्रेस दे दूंगा। तो यहाँ से और एक जगह है धौला, तो वहाँ पे एक नदी है, तो वहाँ से यहाँ तक का किलोमीटर है, धौला टू माकुम का किलोमीटर है 43.8 किलोमीटर, मैंने भी गूगल चेक किया है। तो वहाँ से लोग जाते हैं श्रद्धा पूर्वक, वहाँ से पानी भरकर लोग यहाँ आते हैं पैदल और वहाँ से करीब 2 बजे जैसे वो चलना शुरू करते हैं और यहाँ आके पहुँचते हैं, पूरा रात भर वो चलते हैं। तो चलने के बाद वो यहाँ आके पहुँचते हैं सुबह, और सुबह आकर वो भगवान शिव जी के सर पर बड़ी ही श्रद्धा पूर्वक पानी समर्पित करते हैं। जो भी है, मुझे उतना खास हिंदी पता नहीं है, सॉरी फॉर दैट, बट यही है इस मंदिर की कहानी। और भी सीन्स आपको दिखाने, तो बने रहिए हमारे साथ। ये मंदिर बहुत ही खूबसूरत है गाइस, पहले ही बता दूं, अगर वीडियो नहीं देखा तो मिस करोगे, देख लो, सही है, देख लो। जैसा कि मैंने आप सभी को एक तालाब का क्लिप दिखाया, वो तालाब है ये जो कि मंदिर के अंदर ही बनवाया गया है और यहाँ काफ़ी सारी मछलियाँ है जैसे कि मैंने आप सभी को क्लिप में दिखाया होगा। और यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात है, आपने नोटिस नहीं की होगी, यहाँ एक शिवजी है, वो रहे शिवजी। शिवजी अभी पानी की वजह से दिखाई नहीं दे रहे, तो जब पानी कम रहता है उसका व्यू देख के आइए आप। तो आपने देखे अच्छे थे ना, तो जब पानी कम रहता है, अभी बारिश का मौसम है और यहाँ भी तालाब में पानी भर चुका है और मछलियाँ भी खाना खाने ऊपर आ रही है, काफ़ी सारे लोग जब यहाँ आते हैं विजिट करने वो मछलियों को भी खाना खिलाते हैं। अभी हम ढूंढ रहे खाना, अभी मिल नहीं रहा हमें, हमने भी सोचा था कि मछलियों को खाना खिलाए। ये बजरंगबली को देख के मेरे दिल से कुछ ख्याल आ रहा है प्रीतम, ये ख्याल कुछ ऐसा है कि चल बेटा सेल्फी ले 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 ले, ले।
तो यही है वो शिव जी जिसके दर्शन करने के लिए दर्शालु दूर दूर से यहाँ तक आते हैं। तो हाँ भैया, लोग दूर दूर से आते हैं और आप घर बैठे बैठे शिव जी के दर्शन पा रहे हो, तो इस वीडियो को लाइक बनता है यार। घर बैठे बैठे शिव जी के दर्शन करवा रहे हैं हम यार, कर दो, भगवान आपका भला करते हैं। दोस्तों, आप लोगों से विदाई लेने का वक्त आ चुका है, पर जाने से पहले हम लोग ने सोचा कि आप लोग को और कुछ दिखाया जाए, तो हम आ चुके हैं कृष्णा धाम। पहले जो आपको मंदिर दिखाया था हमने वो था शिव धाम, और अभी हम पहुंच चुके हैं कृष्णा धाम, और हमें नहीं है कोई काम धाम। तरह हम रोज नए नए ब्लॉग आपको दिखाते रहेंगे और रोज नए नए कुछ जोक्स के साथ आपको हंसाते रहेंगे, क्योंकि हमें नहीं है कोई काम धाम, और आप हमें प्यार देते रहिए और अच्छे अच्छे ब्लॉग्स का मजा लेते रहिए, वो भी फ्री में। बस एक ही काम करना है, नीचे जो वीडियो खत्म होने के बाद सब्सक्राइब का एक बटन रहेगा उसको दबा दीजिए, और साथ में घंटा भी दबा दीजिए। आपको क्या घंटा फर्क पड़ता है, दबा दीजिए ना।